रहे हैं उसका नाम है रिजर्व प्रोविजन। में हमने क्या देखा, प्रोविजन जो होता है किसी खास पर्पस के लिए रखा जाता है, जबकि रिजर्व जो होती है उसका कोई पर्पस नहीं होता है। अभी जो मैंने पैराग्राफ आपके लिए पढ़ा उसमें वर्ड यूज किया था कंटिंजन। कंटिंजन मतलब विच इज नॉट डिसाइडेड। एक एग्जाम्पल से कंटिंजन वर्ड को मैं क्लियर कर रहा हूँ, यहाँ आपका नहीं है बट कंटिंजन वर्ड क्लियर हो जाएगा। सपोज आपने बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लिया, आपने बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लिया, आपको बैंक वाले लोन नहीं दे रहे थे, आप मेरे पास है सर गारंटी ले लो ना हमारी, तो मैं चला आपके साथ बैंक में, मैंने गारंटी दी ठीक है इसको लोन दे दो कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं देगा तो मैं बैठा हूं। तो अब यहां पर लोन किसने लिया है, आपने लिया है, पेमेंट कौन करेगा, आपको ही पेमेंट करनी पड़ेगी। इन केस अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे हो तो वो पैसे मुझे देने पड़ सकते हैं, दैट इज कंटिंजेंट लायबिलिटी फॉर मी। इफ यू आर नॉट पेइंग देन आई हैव टू पे दिस अमाउंट। अगर आपने नहीं दिया तो मुझे देना पड़ेगा, अगर मैं सपोज आप दे देते हो तो थोड़ी मुझे देना। तो ये एक तरह से मेरे कंटिंजेंट लायबिलिटी है जो अनसर्टन है, फिक्स नहीं है, तो उसे हम अनसर्टन कह सकते हैं। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिजर्व। देखो रिजर्व इज क्रिएटेड फॉर फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द बिजनेस। रिजर्व जो रखी जाती है ना फाइनेंशियल साउंडनेस से, फाइनेंशियल साउंडनेस क्या होती है, जो हमारे स्ट्रॉन्ग बनाती है। प्रोविजन कंपल्सरी रखने ही रखने हैं, रिजर्व में ऐसा कहा जाता है आपके पास पैसे हो तो रखो। मान लो आपको प्रॉफिट इस साल नहीं हुआ है, आप लॉस में चल रहे हो तो रिजर्व नहीं रख सकते, क्योंकि प्रॉफिट होगा तो रिजर्व रखोगे, बट प्रोविजन तो रखना ही रखना पड़ेगा, राइट। आगे देखो क्या लिखा है, रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद है सर्टन रिजर्व आर क्रिएटेड टू मीट स्टेट्यूटरी रिक्वायरमेंट। स्टेट्यूटरी मतलब कानूनी, कुछ रिजर्व ऐसी है जो गवर्नमेंट के हिसाब से कंपल्सरी रखनी पड़ती है, वो शायद इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं होती है, बट जब बड़ी कंपनियों में जब आएंगे ना तो कंपनियों में रूल होता है कि जितना प्रॉफिट कमाया उसका इतने परसेंटेज रिजर्व रखना ही पड़ेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ रिजर्व वही बात है जो प्रोविजन में देखी थी। रिक्वायरमेंट ऑफ फंड एक्सपांशन के लिए आपको पैसा मिल जाएगा। आज सपोज हर साल आपने 1-1 लाख रुपए रिजर्व रखा था, 10 साल के बाद 10 लाख हो गए, वो 10 लाख का पैसा आप कहाँ यूज कर सकते हो, बिजनेस को एक्सपांड करने में यूज कर सकते हो। फाइनेंशियल सॉल्वेंसी रहेगी। सोचो आप घर में अगर हर साल 10-10, 20-20 हजार रुपए साइड में रखते जाओ 5-6 साल के बाद 2-2.5 लाख रुपए होंगे, तो आपके पास साउंडनेस रहेगा। फाइनेंशियल सॉल्वेंसी किसे कह सकते हैं, पैसों का टेंशन नहीं, कोई खर्चा भी 50,000-1 लाख का आ गया तो आप आराम से कर पाओगे, उसे कहते हैं फाइनेंशियल सॉल्वेंसी। अनसर्टन और कंटिंजेंट एक्सपेंसेस और लॉसेस कैन बी मीट इफ देयर इज अ सफिशिएंट रिजर्व। अगर हमारे पास सफिशिएंट रिजर्व है तो जो खर्चे अनसर्टन है, जो फिक्स नहीं, उनको आराम से हम मीट कर सकते हैं। रिजर्व कैन बी यूज टू ऑनर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी चुकाने में भी काम आएगी। कंपनी कैन मेंटेन डिविडेंड ईयर आफ्टर ईयर बाय यूजिंग रिजर्व। रिजर्व में से हम डिविडेंड भी अच्छी तरह से दे सकते हैं। उसके बाद देखा रिजर्व कैन बी क्रिएटेड टू फुलफिल सम स्टेट्यूटरी रिक्वायरमेंट। स्टेट्यूटरी मतलब होता है कानूनी, कुछ कानूनी जरूरतों के लिए भी रिजर्व हमें रखनी पड़ती है। क्लियर हो गया ये। अब है टाइप्स ऑफ रिजर्व। टाइप्स ऑफ रिजर्व ध्यान से देखना, एक होता है रिवेन्यू रिजर्व, एक होती है कैपिटल रिजर्व। मैं एक एक करके आता हूं। रिवेन्यू रिजर्व किसे कह सकते हैं, जो प्रॉफिट में से, मैं रेवेन्यू किसको कहा, सपोज मैंने हर साल 10 लाख का प्रॉफिट कमाता हूं, उसमें 2 लाख साइड में रख देता हूं, तो मैं किसमें से रिजर्व रख रहा हूं, प्रॉफिट में से। प्रॉफिट तो हर साल मिलता है, तो उसमें से अगर आप कुछ रिजर्व रख रहे हो तो उसे रेवेन्यू रिजर्व कहते। बट मेरे पास एक बिल्डिंग पड़ी थी 15 लाख की, उसको मैंने 50 लाख में बेच दिया। 15 लाख की थी, मैंने ली थी, उसको मैंने 50 लाख में बेचा, 35 लाख रुपीज का प्रॉफिट हुआ, उसमें से मैंने 5 लाख रिजर्व रख दिए, तो ये प्रॉफिट क्या मुझे हर साल होगा नहीं, तो वो कौन सा है, मेरा रिजर्व है कैपिटल रिजर्व। जब कभी कभी किसी प्रॉफिट में से, जो हर बार नहीं हो रहा है, उसमें से आप कुछ रख रहे हो तो उसे कैपिटल रिजर्व कहते हैं। और रिवेन्यू रिजर्व वो होता है जो रेगुलर प्रॉफिट में से मिल रहा है, वो रिवेन्यू रिजर्व। तो देखो रिवेन्यू रिजर्व जनरल रिजर्व रखते हैं, स्पेसिफिक रिजर्व रखते हैं, सीक्रेट रिजर्व रखते हैं, सबकी मीनिंग दिखाई है। जनरल रिजर्व पहले रेवेन्यू रिजर्व दिखा है। रेवेन्यू रिजर्व के मीनिंग मैंने बताई, जो रेवेन्यू प्रॉफिट में से रखा जाए वो रेवेन्यू रिजर्व है, जो प्रॉफिट एंड लॉस में से, उनमें पहले जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व मैंने नॉर्मली कॉमन वर्ड यूज किया है। जनरल रिजर्व वो होती है जो किसी खास पर्पस के लिए नहीं होती है, कहीं भी किसी भी पर्पस के लिए हम यूज कर सकते हैं। आया ध्यान में, उसकी एंट्री क्या आती है, प्रॉफिट एंड लॉस टू जनरल रिजर्व। फिर स्पेसिफिक रिजर्व, स्पेसिफिक मतलब किसी खास पर्पस के लिए रखी गई रिजर्व। बट ऐसा कहा गया इस बुक में
एक्चुअली स्पेसिफिक रिजर्व इज वन काइंड ऑफ प्रोविजन, क्योंकि मैंने प्रोविजन की मीनिंग क्या बताई थी कि जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए, वो भी शायद बुक में लिखा होगा कि ये एक तरह का प्रोविजन ही हो गया। बट प्रोविजन क्या होता है, किसी फिक्स चीज के लिए रखा जाता है। देखो प्रोविजन होता है ना, जैसे कि मुझे पता है मशीनों के लिए या उसके लिए, इनमें क्या होता है खाली पर्पस फिक्स नहीं होता है। स्पेसिफिक मतलब जैसे बिल्डिंग लेनी है, कितनी बड़ी लेनी है, क्या लेनी है, कुछ आइडिया नहीं, तो उनके लिए पैसे जमा करते जाते हैं, तो वो रिजर्व है, स्पेसिफिक रिजर्व। मैं पढ़ रहा हूँ, व्हेन द रेवेन्यू रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर स्पेसिफिक पर्पस, इट इज नोन एज स्पेसिफिक रिजर्व। जैसे स्पेसिफिक पर्पस क्या हो सकते हैं, जैसे कि डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड। अब ये डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड क्या होता है, मैं थोड़ी हिंट दे रहा हूँ आपको, थोड़ा क्लियर होता जाएगा, नॉलेज बढ़ता जाएगा। वैसे ये सारी चीजें है नहीं कोर्स में, बट आपको पता होगी तो इजी रहेगा। सपोज मैं एक कंपनी चला रहा हूं, उस कंपनी में पता है कंपनी में पैसे किसके लगे होते हैं, शेयर होल्डर के। थोड़ा बहुत ओसी में आपने शायद पढ़ा होगा, कंपनी में शेयर होल्डर के पैसे लगे होते हैं। शेयर होल्डर को रिटर्न में क्या मिलता है, डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड मिलता है, ये तो पता है ना सबको, डिविडेंड मिलता है। जैसे मैंने रिलायंस कंपनी के शेयर परचेस किए, तो कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाएगी ना, उसमें से कुछ डिविडेंड मुझे देगी। अब आपको कंपनी का पता है, कंपनी का जो प्रॉफिट होता है ना, वो अनसर्टन होता है। अनसर्टन मतलब कभी ज्यादा कभी कम, जैसे अभी कोरोना आया तो प्रॉफिट कम हो गया, या बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे, कभी ज्यादा होगा कभी कम। तो प्रॉब्लम क्या आएगा, सपोज एग्जांपल ले लो, मैंने 10 लाख का प्रॉफिट, मैंने मतलब कंपनी ने 10 लाख का प्रॉफिट कमाया, और वो 10 लाख के 10 लाख शेयर होल्डर को दे दिए, डिविडेंड मतलब उनको देना। दूसरे साल कंपनी ने 2 लाख का प्रॉफिट कमाया, वो नॉर्मली हमने शेयर होल्डर को दे दिया, तो मार्केट में रूमर्स क्या फैलेगी, कंपनी कम प्रॉफिट कमा रही है, इनएफिशिएंट हो गई है, इनएफिशिएंट हो गई है, तो वैल्यू हमारे शेयर की कम होने लगेगी। रियल में इनएफिशिएंट नहीं है, मार्केट सिचुएशन ही ऐसी है, कितनी बार लॉस भी हो सकता है। तो उन सभी मार्केट रूमर्स से बचने के लिए कंपनी क्या करती है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व का मेंटेन करती है। जैसे क्या होगा, इस साल हमने 10 लाख कमाए, मैं 10 लाख इनको नहीं दूंगा, मैं इनमें से क्या करूंगा, 5 लाख इनको दे दूंगा और 5 लाख यहां पर मैं रिजर्व रख दूंगा। अब दूसरे साल मैंने 2 लाख कमाए, तो 2 लाख प्लस यहां से 3 लाख निकाल के इनको मार्केट में 5 लाख ही दूंगा। तो लास्ट ईयर भी 5 दिए थे, इस बार शायद 5.5 दे दूंगा, उल्टा थोड़ा ज्यादा, तो लगेगा हम ग्रो कर रहे। उस मेथड का नाम है डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। कभी लॉस होगा तो भी यहां से पैसे निकाल के डिविडेंड तो दे दूंगा, तो लोगों के नजरों में मेरी वैल्यू क्या होगी, मार्केट में लॉस चल रहा है और ये हमें डिविडेंड दे रही, तो उसे कहते हैं डिविडेंड। आपका ही पैसा दे रहा हूं मैं, कुछ नया नहीं कर रहा हूं, बट जब ज्यादा कमाया तो मैंने, क्योंकि ज्यादा जब हम कमाते हैं लोग खुश नहीं होते थे, ठीक है खुश होते हैं, बट उसके सामने जब कम देते हैं तो दुखी ज्यादा होते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, आपका ही पैसा इकट्ठा देने के जगह थोड़ा थोड़ा करके इक्वल करके दे रहा हूं, तब इसका नाम पड़ा डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। नेक्स्ट पर हम आ जाएंगे, नेक्स्ट रिजर्व का नाम देखो क्या रखा है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन के बाद डिबेंचर रिडम्पशन फंड। तो डिबेंचर क्या होते हैं वो समझाओ, ध्यान से सुनना। डिबेंचर मतलब एक होते हैं इक्विटी शेयर, जो ये शेयर होल्डर, ये कंपनी के मालिक होते हैं, कंपनी जब से शुरू हुई है तब से लेकर कंपनी के एंड तक ये रहते। अगर सपोज कंपनी को बीच में दूसरे पैसों की जरूरत पड़ी तो एक तरीका है कि आप बैंक से लोन ले लो, बैंक से लोन ले लो। दूसरा तरीका होता है डिबेंचर। डिबेंचर क्या होता है, लोगों से हम पैसे लेते हैं कि आपको हम फिक्स इंटरेस्ट देंगे, हम कमाए नहीं कमाए आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा, और 10 साल के बाद आपके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे, 10 साल के बाद आपके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे, दैट इज कॉल्ड डिबेंचर। डिबेंचर इज अ बोरोड कैपिटल, उधार लिया हुआ पैसा है। अब मान लो मैंने 1 करोड़ रुपए उधार लिए, 1 करोड़, उसका इंटरेस्ट इनको हर साल में दे देता हूं, तो 10 साल के बाद 1 करोड़ वापस तो करने पड़ेंगे ना। तो मैं क्या करता हूं, 1 करोड़ जो वापस करने, उसके लिए हर साल 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख साइड में रखता जाता हूं, 10 साल के बाद मेरा 1 करोड़ जमा हो जाएगा। तो मैं किसके लिए पैसा जमा कर रहा हूं, डिबेंचर रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब होता है चुकाना, डिबेंचर रिडम्पशन फंड। अभी ये एक तरह की रिजर्व ही है, पैसा साइड में पड़ा है, मेरा प्रोविजन नहीं कह सकता, बट स्पेसिफिक रिजर्व होगी, किसी खास पर्पस के लिए रखा गया पैसा। फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अब ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्या होता है, कंपनियां क्या करती है, मार्केट में इन्वेस्टमेंट करती है। इन्वेस्टमेंट मतलब शेयर लेना, डिबेंचर या कुछ भी कंपनियों के शेयर्स लेना। अब उसमें क्या होता है, शेयर की प्राइस आपको पता है कभी ऊपर कभी नीचे होती रहती है, तो
तो मैंने क्या किया, 50 लाख के शेयर परचेस किए, सामने 5 लाख मैंने रिजर्व रख दी। अब अगर क्या हो गया, 50 लाख की वैल्यू बढ़ गई 60-70 हो गई तो अच्छा है, सब खुश हो गया, कंपनी अच्छी है। बट अगर ये 50 के जगह 43-45 हो गया ना, तो लोगों को क्या लगेगा, यार प्रॉपर नहीं है, क्योंकि लोग लॉस कभी स्वीकार नहीं करते इजिली। तो मैंने उसके लिए हर साल थोड़ा थोड़ा रिजर्व में पैसा रखा है। अगर 4 लाख का लॉस हुआ मैं दिखाऊंगा ही नहीं, क्योंकि 5 लाख तो पड़े ही है मेरे पास। तो इसका मतलब, और आगे चल के प्रॉफिट हो गया तो मैं उसमें से एडजस्ट करके उसको रख दूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। और लास्ट है वर्कर्स एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन फंड। अब हमारे पास फैक्ट्री है, बहुत सारे वर्कर भी काम कर रहे हैं। अब वर्कर काम कर रहे हैं तो ये पॉसिबल है कि कभी वर्कर का एक्सीडेंट भी हो जाएगा। तो वर्कर का जब एक्सीडेंट होता है तो कंपनी को लाखों रुपए उनको देने पड़ते हैं। तो हम वेट करें जब एक्सीडेंट होगा तब पैसे देंगे? नहीं, पैसे तो हर साल रखते जाओ रखते जाओ। किस पर्पस के लिए? कि बाय चांस अगर उनका एक्सीडेंट होगा तो वो पैसे हमें काम आएंगे। उसे क्या कहा गया है, वर्कर एक्सीडेंट फंड। इसको रिजर्व क्यों कहते हैं? देखो रिजर्व का मतलब बता, जो फिक्स नहीं है, आपको पता है कब एक्सीडेंट होगा और सपोज होगा भी नहीं होगा वो भी पता नहीं है, हो सकता है पूरी लाइफ में कभी एक्सीडेंट ही ना हो, तो वो पैसे हमारे रिजर्व है, हमें ही मिलने वाले हैं उसको। तो वो हमारे लिए कौन सी रिजर्व हो गई, स्पेसिफिक रिजर्व हो गई। और उनको एक एक को नीचे एक्सप्लेन भी किया है, मुझे वो बताने की जरूरत नहीं, मैंने एक्सप्लेन कर लिया, समझ में आया। फिर सीक्रेट रिजर्व। अब ये जो सीक्रेट रिजर्व, ऐसी रिजर्व होती है जो किसी को बताते ही नहीं है, वो किसी को आइडिया भी नहीं होती है, ऑन पेपर का भी उसकी एंट्री नहीं होती। मैंने 10 लाख प्रॉफिट कमाया बट मैं ऑन पेपर दिखाऊंगा ही नहीं, मैं क्या करूंगा उसको दिखाऊंगा, ये 8 लाख 2 लाख मेरे पास पड़े होंगे। ये कैसे किया जाता है, सीक्रेट रिजर्व कैसे क्रिएट की जाती है, यह पकड़ना फिर ऑडिटर या सीए का काम होता है। कंपनियां करती है, जैसे एग्जाम्पल ले लो, वो खर्चे ज्यादा दिखा दे, रियल में मेरा जेरोक्स का खर्चा हुआ 1 लाख रुपए बट मैं दिखा दूंगा 1.5 लाख रुपए, तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम दिखाई देगा 50,000। रियल में मैं कमाऊंगा 6 लाख बट दिखाई देगा 5.5 लाख, क्योंकि मैंने खर्चा क्या किया है, ज्यादा दिखा है। तो मैं क्या करूंगा, खर्चे ज्यादा दिखा दूंगा या फिर इनकम थोड़ी थोड़ी कम दिखा दूंगा। कहीं से मैंने फीस ली 10,000 बट मैं दिखाऊंगा 8,000, तो मेरी फीस कम दिखाई देगी, मतलब मेरा प्रॉफिट, रियल में मेरा प्रॉफिट 10 है बट मुझे क्या दिखाई देगा, 8। वो जो सीक्रेट रिजर्व है मेरी पड़ी होगी किसी सीक्रेट पर्पस के लिए, जो कुछ भी हो सकता है, कंपनी का एक्सपांशन, कंपनी के लिए कुछ भी हो सकता है। तो ये एक तरह की सीक्रेट रिजर्व है जो पता नहीं होती किसी को, ना ही कंपनी अपने बुक्स में डिस्क्लोज करती है, क्योंकि कंपनी ने दिखाया ही नहीं। आपको बताऊं 10,000 प्रॉफिट कमाया 10,000, तो आप कहोगे ना सर 2,000 का आ गया, मैं बताऊंगा ये 8,000, या खर्चा दिखाऊंगा 1 लाख के जगह 1.5 लाख, तो आपको पता ही नहीं चलेगा, पता चल गया तो। नहीं देखो, पता चल गया तो एक तरह का फ्रॉड हुआ, इलीगल है। सीक्रेट रिजर्व हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ये कितनी बार कॉम्पिटिटर को चीट करने का भी तरीका है। सबको अगर मैं बता दूंगा कि मैं 10 लाख प्रॉफिट कमाता हूँ तो 4 लोग और भी आ जाएंगे मेरे बिजनेस में, इससे तो बताओ नहीं 6 लाख ही बताऊं, भले 6 लाख ही बताओ तो इसके लगेगा यार मेहनत बहुत है, 6 लाख सही है, चलो दूसरा कोई बिजनेस होते। मतलब क्या होगा, एक सिंपल लॉजिक है, जिस बिजनेस में प्रॉफिट ज्यादा उसमें बहुत सारे कॉम्पिटिटर इंटर होने के चांस रहते हैं, तो मैं क्यों बताऊं कि मैं इतना कमाऊंगा, नजर भी लग जाती है कभी कभी तो क्यों मैं बताऊं मैं इतना कमाता हूं। तो फिर नॉर्मली क्या करते हैं, वो सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करते हैं। सीक्रेट रिजर्व जो रहती है ना, वो क्लियर दिखाई नहीं देती है, बट इंटरनली जो लोग होते हैं ना अंदर के, उनको पता होती है। वर्कर रिजर्व वो दिखानी पड़ती, वर्कर वो तो दिखाएंगे ना, वो तो सामने हम दिखाई रहे, उनको नाम हमने दिया स्पेसिफिक रिजर्व। बाकी सीक्रेट रिजर्व जो होती है ना, वो नॉर्मली अपनी ही होती है, उससे पता ही नहीं चलता। देखो कितनी बार क्या लिखा है, बाय मेकिंग मोर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये खर्चे जा, ये सब खर्चे बढ़ाने के तरीके दिखाए कि सीक्रेट रिजर्व कहां से ला सकते हो। बाय अंडर वैल्यूइंग क्लोजिंग स्टॉक, मेरे पास 1 लाख का क्लोजिंग स्टॉक है पर जानबूझ के मैं दिखाऊंगा 80 का, तो नेचुरली मेरा 20,000 की एसेट कम दिखाई देगी, मतलब प्रॉफिट कम हो जाएगा। ये सारे तरीके देखना, आपका प्रॉफिट कम करने के तरीके बता रहा है। बाय रिड्यूसिंग बाय मेकिंग मोर प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स एंड कंटिंजेंट देन रिक्वायर, मतलब जितनी जरूरत है उससे ज्यादा प्रोविजन रखो। जैसे कि मान लो मेरे 50,000 के डेटर है, मुझे पता है हर साल 10% डूब जाते हैं, 5 रखने हैं पर मैं जानबूझ के 20% रखूंगा, मतलब मेरा खर्चा मैं 5,000 के जगह कितना दिखा दूंगा, 10,000 दिखा दूंगा। इन तरीकों से यस, अगर जरूरत पड़ी तो वर्कर रिजर्व में से निकाल सकते हैं। नहीं, वर्कर रिजर्व में से पैसा निकाल नहीं सकते, एक्सीडेंट हुआ किसी वर्कर का तो उसमें से निकाल सकते हैं पैसा, बाकी को उसका नाम ही है स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व का यूज सिर्फ स्पेसिफिक रिजर्व में होता है या फिर कंपनी बंद हो रही है।
अब उस रिजर्व का कोई काम नहीं तो फिर वो शेयर होल्डर को दे देते। इस तरह से नॉर्मली जो है ना आपका क्या किया जाता है, बाय शोइंग कंटिंजेंट लाइबिलिटी एज एक्चुअल लाइबिलिटी, आपकी कंटिंजेंट लाइबिलिटी है, या फिर रिकॉर्डिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर इन प्रॉफिट। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा होता है, जैसे मैंने बताया बेंचेस परचेस की, वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसको दिखाया जाता है बैलेंस शीट में, बट आपने उसको खर्चों में दिखा दिया। बेंचेस 50,000 खर्चा एक साल का थोड़ी है, वो तो 10 साल तक होगा, तो आगे चल के जब आप फाइनल अकाउंट सीखोगे तो मैं सिखाऊंगा, वो खर्चा बैलेंस शीट में दिखाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं। आपने 50,000 की बेंचेस का खर्चा भी प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दिया, तो उससे क्या हो जाएगी, सीक्रेट रिजर्व क्रिएट। ये सारे तरीके सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करने के, समझ में आया, क्लियर। अब हमने स्टार्ट में किया था, एक होती है रेवेन्यू रिजर्व, दूसरी कैपिटल रिजर्व। ये रेवेन्यू रिजर्व खत्म हो गई। रेवेन्यू रिजर्व के टाइप कितने थे, रेवेन्यू रिजर्व के 3 टाइप थे, रेवेन्यू रिजर्व, एक था जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व और सीक्रेट रिजर्व। और पहले मैंने बताया कैपिटल रिजर्व किसे कह सकते हैं, कैपिटल रिजर्व मतलब वो रिजर्व होती है जो कभी प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट होता है ना, उनमें से सेट होती है। अब दूसरा दिखा है नेक्स्ट पर, यूज ऑफ कैपिटल रिजर्व। अब कैपिटल रिजर्व का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हो, टू राइट ऑफ लॉस ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब मैंने कैपिटल रिजर्व की मीनिंग क्या बताई थी, आपने कोई एसेट बेची 10 लाख की 15 लाख में, 5 लाख का प्रॉफिट हुआ तो उसमें से निकाल के रखी, तो कभी कभी एसेट बेचने से प्रॉफिट होता तो लॉस भी हो सकता है, तो वो लॉस उसमें से हम एडजस्ट कर सकते हैं। उसी तरह से तो राइट ऑफ इनटेंजिबल एसेट, जैसे गुडविल वगैरह, जैसे एसेट को ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है, उनको राइट ऑफ करना है, तो वो रिजर्व यूज होती है, बट डायरेक्ट आपके इतने काम का नहीं। फिर आता है रिजर्व फंड, वही सेम है, बट अभी आता है डिफरेंस बिटवीन जनरल रिजर्व एंड प्रोविजन। ये मैंने आपको अभी अभी बताया था थोड़ी देर पहले, जो जनरल रिजर्व और प्रोविजन में क्या फर्क है। देखो जनरल रिजर्व क्या होती है, रिजर्व एक तरह से जिसका पर्पस पता नहीं है, जबकि प्रोविजन का पर्पस पता है, राइट। देखो डिफरेंस में क्या लिखा, पर्पस, द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग जनरल रिजर्व इज टू इंक्रीज फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ बिजनेस टू मीट कंटिंजेंट एक्सपेंसेस, जिसके बारे में पता ही नहीं। कंटिंजेंट मतलब वो होते हैं जिसके बारे में आइडिया नहीं, जबकि प्रोविजन इज मेड फॉर स्पेशल पर्पस, क्लियर। फ्रॉम विच अकाउंट, जो रिजर्व होती है ना वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में से बनता है, जबकि जो प्रोविजन होता है ना प्रॉफिट एंड लॉस में से बनता है। तो आप कहोगे दोनों में फर्क क्या है, एक्चुअली वो फाइनल अकाउंट चैप्टर चलेगा ना तो ध्यान आएगा, फिलहाल अभी ऐसे ही याद रखो। वॉलेंट्री और मैंडेटरी, जो प्रोविजन है ना वो मैंडेटरी है, कंपलसरी, जबकि जो रिजर्व है ना, वॉलेंट्री मतलब प्रॉफिट होगा तो रिजर्व करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। यूज, जनरल रिजर्व कैन बी यूज फॉर एनी पर्पज, जबकि प्रोविजन जो होता है ना वो खास पर्पज के लिए यूज होता है। इन्वेस्टमेंट, जनरल रिजर्व कैन बी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस और आउटसाइड बिजनेस, जनरल रिजर्व का पैसा हम कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, बट जब स्पेसिफिक प्रोविजन जो मैंने रखा है ना उसका पैसा सिर्फ और सिर्फ प्रोविजन के लिए ही यूज होगा। फिर दूसरा लिखा हुआ है डिविडेंड, जनरल रिजर्व कैन बी यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड भी दे सकते हो उसमें से, जबकि प्रोविजन जो है उसमें से डिविडेंड नहीं दिया जा सकता। और प्रेजेंटेशन इन अकाउंट, जनरल रिजर्व इज शोन इन बैलेंस शीट एज अ लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी साइड दिखाया जाता है, उसका हेडिंग होता है रिवेन्यू रिजर्व्स एंड सरप्लस, बट ये हेडिंग्स वगैरह आपको ध्यान नहीं आएंगे क्योंकि आपने बैलेंस शीट नहीं सीखी है, वो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। और जो प्रोविजन है ना वो बैलेंस शीट में दिखाए जाते हैं लाइबिलिटी साइड, प्रोविजन अगेंस्ट एसेट इज शोन डिडक्टिंग फ्रॉम रिप्रेजेंटेटिव एसेट्स, मतलब जो प्रोविजन होते हैं ना एसेट, मतलब जैसे मशीन है तो आपने देखा डेप्रिसिएशन आप क्या करते थे, मशीन में से माइनस करते थे, वही दिखाया गया है कि प्रोविजन उसमें से माइनस किया जाता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन भी एक प्रोविजन है। सोचो डेप्रिसिएशन, मैंने कहा था डेप्रिसिएशन एक लॉस है, खर्चा है, किसको देते हो खर्चा, अपने पास ही रहता है, तो एक तरह का प्रोविजन है। हर साल हम 10,000 रुपए जमा करते हैं ताकि फ्यूचर में एक न्यू मशीन परचेस कर सके। उसके बाद देखो एक डिफरेंस दिखा, जनरल रिजर्व और कैपिटल रिजर्व में फर्क क्या है। पहले हमने देखा जनरल रिजर्व और प्रोविजन, जनरल रिजर्व में देखो फ्रॉम विच अकाउंट इट इज अप्रोप्रिएटेड, तो जनरल रिजर्व कहां से आती है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से, जबकि कैपिटल रिजर्व जो होती है अराउज़ेस ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, लास्ट था सीखा ना कैपिटल रिजर्व, वो कहां से क्रिएट होती है, कैपिटल प्रॉफिट से। यूज, जनरल रिजर्व किसी भी पर्पस के लिए यूज हो सकती है, जबकि कैपिटल रिजर्व के लिए कुछ खास पर्पसेस है, देखने हो तो पेज नंबर 72 पे 4-3 पर्पस दिखाया गया ऊपर ऊपर, कैपिटल रिजर्व का यूज ऑफ कैपिटल रिजर्व लिखा है 72 नंबर पेज पे, मिला है ना। नेक्स्ट, उसके बाद डिविडेंड, जनरल रिजर्व में से डिविडेंड दे सकते हैं, कैपिटल रिजर्व में से डिविडेंड नहीं दे सकते हैं। बोनस, या जनरल रिजर्व में से बोनस दिया जा सकता है, कैपिटल रिजर्व में से नहीं दिया जा सकता। हो गया चैप्टर कंप्लीट, बंद कर दो।